10-member Trinamool Congress delegation met the Election Commission officials in New Delhi today to complain about the alleged misuse of central investigative agencies against TMC leaders and party candidates. The delegation is led by TMC MP Dola Sen. Leaders spoke to EC officials about the misuse of the NIA to wrongfully intimidate TMC workers ahead of the Lok Sabha elections. The party claims that it will not tolerate any unconstitutional attempts to harm the sanctity of India's democracy. On the other hand, TMC Supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee set out at Prime Minister Narendra Modi after he slammed the party at his rally in Jalpaiguri yesterday. Before we move forward with this discussion, let's quickly listen into what both the leaders have had to say to each other. हमें यहाँ कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है. यहाँ हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है. लोग अत्याचार सहने को मजबूर है. आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक एक पॉकेट में इनकम टैक्स. एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई. My colleague Renik Datta with me on the broadcast. Renik, if you can take our viewers through the latest details as far as the spat with the NIA is now concerned. Earlier, of course, it was TMC versus the ED in West Bengal. Now it's NIA versus the TMC. एकदम देखिए, जैसे कि पहले भी दिखा गया था, शेख शाहजहां का मामला को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम करने का तरीका और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर टीएमसी का जो बार बार से बात किया जा रहा था, टीएमसी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, सेंट्रल की तरफ से सेंट्रल एजेंसीज को टीएमसी के खिलाफ में यूज किया जा रहा है. वैसे ही एनआईए का ये जो मामला भूपति नगर में दो तृणमूल लीडर को गिरफ्तार करने के बाद ये जो एनआईए ऑफिसर्स के ऊपर हमला हुआ, एनआईए का गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया गया, इस मामले को लेकर भी तृणमूल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि तृणमूल का जो लीडर्स है उनके ऊपर ही कार्रवाई जारी है और सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के पहले रास्ता क्लियर करने के लिए. और इसी वजह से ही तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो ममता बनर्जी आज भी जो बांकुड़ा में उनका पब्लिक मीटिंग था, उस पब्लिक मीटिंग से डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी को हिट किया और उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के एक पॉकेट में सीबीआई तो दूसरे पॉकेट में एनआईए के जैसे हथियार है. यानी सेंट्रल एजेंसी को इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा क्लेम भी टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है. दूसरी तरफ टीएमसी का जो 10 मेंबर का डेलीगेशन टीम वो आज दिल्ली का एसीआई ऑफिस में पहुंचे. उधर जाके वो दो चीज में बातचीत किए, दो अपील उनकी तरफ से किया गया. एक तो बीजेपी की तरफ से जो टीएमसी की तरफ से जो क्लेम किया गया था कि बीजेपी के साथ एनआईए का एक लिंकअप है, जैसे कि प्रूफ भी कल प्रेस मीट करते हुए टीएमसी का जो लीडर्स उनके तरफ से पेश किया गया कि एनआईए का जो एसपी रैंक ऑफिसर उनके साथ बीजेपी का एक लीडर का कुछ दिन पहले घर में मुलाकात करना, करीब डेढ़ घंटे तक उनके ऊपर बातचीत होना, इस तरीके का प्रूफ टीएमसी की तरफ से पेश किया गया था. उसको लेकर ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिल्ली का ऑफिस में वो लोग गए थे. दूसरी तरफ डेलीगेशन का टीम का जो कहना था कि जलपाईगुड़ी में जो स्टॉर्म हिट करने की वजह से जो इंसिडेंट घटा है उस जगह में कंपेंसेट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा छोड़ने का परमिशन दिया जाए, ये दो मांग लेकर आज दिल्ली में ये 10 मेंबर का जो डेलीगेशन टीम वो टीम टीएमसी का पहुंचे थे. मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए टीएमसी की तरफ से एक तरफ जब क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके का करप्शन, जिस तरीके का घटना बंगाल में हो रहा है उसी जगह में रह के सेंट्रल एजेंसीज का काम करना एकदम सही है. सेंट्रल एजेंसीज खुद के मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन की तरह ही किया जा रहा है. जैसे कि शेख शाहजहां के मामले में भी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सीबीआई ने केस टेक ओवर किया था, शेख शाहजहां को अरेस्ट किया था.
दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जितना भी मामला है वो मामला भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ही ऑर्डर दिया गया है, और एनआईए का द्रौपदी नगर का जो केस है उसका ऑर्डर भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और ये पूरा चीज को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का जो क्लेम कि बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है वैसा नहीं है, सेंट्रल एजेंसी सेंट्रल एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है कि ये जो घटना घटा रहा है एनआईए ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स इनका जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम सेंट्रल के तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से किया इन लोगों को देकर किया जा रहा है, टीएमसी का लोग को चुन चुन कर वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इंट्रोगेट कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है ऐसा भी तृणमूल कांग्रेस का क्लेम है। आज ममता बनर्जी की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये चार एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा क्लेम भी ममता बनर्जी की तरफ से आज किया गया था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.